हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टेन एन एज योर ट्रॉपिक सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ दी टू व्हेन इट ए पार्ट तो जे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड स्लो बी पार्ट तो जे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड स्लो सी पार्ट तो नो डेविएशन फ्रॉम राउंड स्लो डी पार्ट इज सैचुरेटेड देखिए मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है कम ठीक है तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर में होता है इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मींस पॉजिटिव फ्रॉम उटलो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लो सिंपल कौन सा पार्ट आंसर होगा ए पार्ट ए पार्ट इज करेक्ट आंसर तो सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउटो ठीक है एक और तरीका हमने टू टाइप्स के एजुट्रॉप पढ़े थे एक था मिनिमम बॉइलिंग एज्यूट्रॉप और दूसरा था मैक्सिमम बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग एजूट्रॉप था पॉजिटिव डेविएशन और मैक्सिमम बॉइलिंग में था नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन ठीक है उल्टा इस तरीके से आप याद रख सकते हैं मिनिमम केस में पॉजिटिव मैक्सिमम केस में नेगेटिव अब मिनिमम बॉइलिंग एजो में क्या होता था बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता था बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता था यहाँ क्या रहा है बॉइलिंग पॉइंट लोअर मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग एजो का केस है होगा पॉजिटिव डेविएशन ठीक है उल्टा करना है मिनिमम बॉइलिंग है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का मिनिमम बॉइलिंग की पार्टीज करेक्ट आंसर ठीक है दोनों तरीके हैं ये ज़्यादा आसान है रिलेशन याद रखिए सारे सवाल मिनिमम मैक्सिमम बोलिंग से रिलेशन से हो जाएंगे पॉजिटिव टी शो करेगा नेगेटिव डिविशन करेगा सारे सवाल आप इससे बना सकते हैं ठीक है चलिए थैंक यू